आइए आंखें बंद करें। प्यारे यीशु, आपने वादा किया जहां दो या तीन आपके नाम से जमा होते हैं आप उनके बीच में, हम आपका स्वागत करते हैं। यीशु आइए, आइए पिता, अपने भवन को अपनी महिमा से भर दीजिए। हमारे साथ आपके सामर्थ्य शत्रु और आत्मा खड़ सके जो स्वर्ग में 2400 घंटे पवित्र 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 गाते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। आज हालेलुया, यीशु की उपस्थिति हर एक भाई हर एक बहन महसूस कर सके, अपने पास यीशु को खड़े हुए देख सके, उनकी आंखों को खोल दीजिए ताकि आपके सामर्थी स्वरूप को, हालेलुया, आपके सुंदर चेहरे को, यीशु प्यारे यीशु के चेहरे को देख सके। हालेलुया, वो मधुर चेहरा, वो सुंदर चेहरा, वो शारोन का गुलाब, हालेलुया, वो भोर का तारा यीशु मसीह, हालेलुया, आज अपने आप को प्रकट कीजिए, अपनी सामर्थ को प्रकट कीजिए, अपने प्यार को हर एक भाई हर एक बहन के टूटे दिलों को क्षमता करके उनके दिलों में प्यार भर दीजिए। आपका प्यार, आपकी शांति, आपकी आशा, आपका आनंद, हालेलुया, यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। आज मेरे प्रियो, एक बड़ा सुंदर हम शीर्षक का संदेश सुनने जा रहे हैं। कई बार होता है कि हम कलीसिया में आते हैं, चर्च में आते हैं, सुबह उठ के बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन आपसे मेरे से बातें करता है। कलीसिया में कई प्रभु के दास लोग आते हैं, कई भविष्यवक्ता आते हैं, प्रभु के वचनों को, परमेश्वर के भविष्य की बातों को आपके जीवन में मेरे भाई मेरी बहन आपके जीवन के लिए वो बताते हैं। कई बार लगता है, अरे क्या वो प्रतिज्ञा जो भविष्यवाणी का वचन है, जो बाइबल के वचन जो मैं सुबह पढ़ा, जो शाम को पढ़ा, जब मैं दुखी दर्द में था, मायूस बेचैन था, परेशान परेशान था, तनाव में था, जब मैंने बाइबल के वचनों को पढ़ा प्रार्थना करते वक्त, हो सकता है आपने दर्शन देखा हो सकता है सोते वक्त स्वप्नों के द्वारा आपके साथ परमेश्वर ने बातें की हो। परमेश्वर आज ये बताना चाह रहा है मेरे भाइयों मेरी बहनों कि वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने में सामर्थ्य है, सच्चा है। हालेलुया, जो आपके जीवन में प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने दी है अपने दासों के द्वारा, ये परमेश्वर के अटल वचन के कारण बाइबल बताती है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु उसका वचन कभी नहीं टलेगा। मत्ती 24:35 में लिखा हुआ है, ये वचन अनादि काल से अनंत काल तक सदैव स्वर्ग में स्थिर रहने वाला वचन है। मेरे प्रियो, सामर्थी है, जीवित है, पराक्रमी है। मेरे प्रियो, आज ये आपके लिए खुशखबरी, जो प्रतिज्ञा किया है वो पूरी करने में सामर्थ्य है। यदि आज आपके पास बाइबल है जरूर आप खोल लें, रोमियो की किताब 4:21 वहां लिखा हुआ है, रोमियो की किताब 4 और उसका 21 वचन बड़ा सुंदर वचन है। जिसने प्रतिज्ञा की है उसे वो पूरी करने में सामर्थी है, शक्तिशाली है, ताकतवर है, सच्चा है। अगर हम इब्रानियों की किताब 10 और उसका 23 वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब 10:23 वचन बड़ा सुंदर अद्भुत मीठा वचन वहां लिखा हुआ है, सच्चा है। मित्रियो, जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है। He is faithful. God is faithful. God is promise keeping. Jesus Christ is the promise keeping God. ये मित्रियो, ये वचन कैसे, कहां, किस परिस्थिति
लाना चाहूंगा एक प्रभु का दास था, प्रभु का भय मानने वाला अब्राहम नाम का एक व्यक्ति था। परमेश्वर से वो प्रार्थना करता था, उसकी आराधना करता था। और जब उसकी शादी हुई तो उसकी पत्नी सारा बड़ी सुंदर थी। शादी होने के बाद सब लोग सोचते हैं कि कुछ सालों बाद बच्चा होगा, बच्चे की आशीष होगी। कई साल बीत गए, एक भी बच्चा नहीं हो पाया। उसकी उम्र बढ़ते बढ़ते 75 साल हो गई। वो प्रभु से प्रार्थना करता था। उस समय की परिस्थितियों को समझिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तो अब्राहम कैसे जीता होगा अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोसियों में, अपने समाज में। हो सकता है आज आप यहाँ बैठे हो, आपका शादी हो रहे, कोई बच्चा नहीं है, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपकी नाम धराई करते हैं, आपकी बेइज्जती करते हैं, आपसे घृणा करते हैं। उस परिस्थितियों का सामना अब्राहम ने किया। सारे उसके साथी लोगों का, पड़ोसियों का, 10-12 उस समय बच्चे रहते थे, सबके 10-12 बच्चे हो गए, इसका एक भी बच्चा नहीं। और वो परमेश्वर की आराधना करता रहा, करता रहा। उसने छोड़ा नहीं, उसने छोड़ा नहीं। और लिखा हुआ है, एक दिन की बात है, परमेश्वर का वचन उत्पत्ति की किताब 15वां अध्याय, अगर आपके पास बाइबल है तो वहां पर परमेश्वर ने से बातें एक दिन की दर्शन के द्वारा। हालेलुया। तो उत्पत्ति 15 अध्याय का पहला वचन लिखा हुआ है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल, बड़ा इनाम मैं हूं। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मेरे वंश, मेरा कोई बच्चा नहीं है, मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरी कोई संतान नहीं है, मेरे घर का वारिस वो जमीन होगा, तू मुझे क्या देगा। अब्राहम ने कहा, मुझे तो तुमने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। चौथा वचन कहता है, तब यहोवा का यह वचन, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा पुत्र होगा, वही तेरा वारिस होगा, और उसने उसको आकाश में जाकर, आकाश की ओर दृष्टि कर तारे गण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है, क्या तू उनको गिन सकता है। परमेश्वर ने कहा कि बाहर आकाश की ओर देखो मेरे प्रियो, हम सब आकाश को देखते हैं ना, आपको कितने ढेर सारे तारे दिखते हैं, है ना। गिरने की कभी कोशिश करिएगा, गिर नहीं पाएंगे। परमेश्वर उसे कह रहे हैं, तेरा वंश आकाश के तारों के समान होगा। इसके लिए तो ये असंभव परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां, अंधकारमय परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर से तारे दिखा रहे असंख्य, और कह रहा है तेरा वंश वैसा ही होगा। और मेरे प्रियो, क्या हुआ, 75 साल की उम्र में ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उसको दी। 25 साल बीत गए, परंतु वो बड़ा रहा, डटा रहा, खड़ा रहा, प्रार्थना करना, परमेश्वर यहोवा को छोड़ा नहीं, लगातार परमेश्वर की आराधना उपासना करता रहा। और एक बार की बात है, हम सबको मालूम है, सारा हंसी थी जब परमेश्वर के दूत आके उसको बताए कि तू माता बनने वाली है, तो वो हंसने लगी। 90 साल की बूढ़ी जिसका मासिक धर्म बंद हो गया, क्या वो बच्चा हो सकता उसका, हंसने लगी। परंतु जानते हैं एक बड़ा सुंदर वचन है, अब्राहम भी हंसा। अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय और उसका 17वां वचन पढ़ें, उत्पत्ति 17 और उसका 17। आमेन, हालेलुया। क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। अब्राहम भी हंस पड़ा। कई बार आपने भी अपने लिए भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन को ओ बाइबल के द्वारा आपने प्राप्त किया हो, आप भी हंसे हो, यार कभी मैं हो सकता हूँ ऐसा,
मेरे को प्रभु ने बोला तू बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, तेरा अच्छा बड़ा व्यापार होगा, तू आशीष का मूल होगा, तू दूसरों को उधार देगा, कर्जा नहीं लेगा। हो सकता है आप कर्जे के बोझ से दबे हो, सोच रहे हो अरे मैं तो उधारी में, लोग मेरे से मेरे घर में आके मुझे परेशान करते हैं, अरे तुम्हारा 5,000 बाकी है, तुम्हारा 3,000 बाकी है, तुमने 1,00,000 लिया, तुमने अभी तक लौटाया नहीं। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू उधार देगा, तू दूसरों के लिए आशीष का कारण होगा। हम भी कई बार अचंभित हो जाते, अरे हो सकता है क्या अब्राहम भी वैसा ही परिस्थितियों में था, अंधकार में, असंभव। 100 साल का बुढ़ा, 100 साल के बुढ़े को बच्चा नहीं होता, असंभव बात। परंतु मेरा यीशु, हमारा यीशु असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आज मेरे प्रिय भाई बहन, आज आप जो भी कड़वी परिस्थितियों में, असंभव बड़ी परिस्थितियों में होके आए हो, अंधकार में भविष्य के लिए आप चिंतित हो, याद रखे खुशखबरी यीशु मसीह जिसने प्रतिज्ञा की है वो सामर्थी है, सच्चा है, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। मेरे नौजवान भाइयों जो पीछे बैठे हुए हो, परमेश्वर का प्रतिज्ञा आज आपके लिए यिर्मयाह 29:11, उसमें बड़ा सुंदर वचन है। यिर्मयाह 29:11 लिखा हुआ है, यिर्मयाह की किताब 29वां अध्याय और उसका 11वां वचन लिखा हुआ है, वन ओ हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर की वाणी है कि जो कल्पनाएं करता हूँ। मेरे प्रियो, जब एक छोटा बच्चा किसी परिवार में पैदा होता है, उसके माँ बाप कल्पना करते हैं कि उसको ये वाले DPS स्कूल में पढ़ाएंगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे, ये वाले वो कॉलेज में पढ़ाएंगे, ये इंजीनियरिंग करेगा, ये डॉक्टरेट करेगा, ये एडवोकेट बनेगा, कल्पनाएं। हमारा परमेश्वर भी हमारे लिए कल्पना करता है और उसकी कल्पनाएं हमारे भलाई के लिए है, हमारे अच्छी जीवन के लिए है, हानि की नहीं है। हो सकता है आप परेशान हो गए हो, मैं ये कॉलेज में ये प्रतियोगिता के परीक्षा में बैठ बैठ के कई बार असफल हो गया, मुझे नहीं लगता मेरा भविष्य अच्छा उज्जवल होगा, सुनहरा होगा। परंतु याद रखे आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु उसका वचन नहीं टलेगा। और मेरे प्रियो, क्या हुआ बाइबल में, क्या हुआ अब्राहम के साथ, 100 साल के बुढ़े को, 90 साल की बूढ़ी को, जिसका मासिक धर्म बंद हो गया, मेडिकल साइंस के अनुसार असंभव, इम्पॉसिबल, बट गॉड डिलाइट्स इन डूइंग द इम्पॉसिबल पॉसिबल। यीशु मसीह असंभव को संभव करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। यूहन्ना की किताब 4:48 उसका 48 वचन वहां लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने अपने होठों से ये सामर्थ्य अद्भुत और चमत्कारी वचनों को कहा। यूहन्ना की किताब 4:48 उसका 48 वचन वहां लिखा हुआ है, जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार नहीं देखोगे तब तक तुम विश्वास नहीं करोगे, नहीं करोगे। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह उत्सुक है अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए। मेरे प्रियो, आज आप जो यहाँ आए हैं, इस कलीसिया में आए हैं, आप सौभाग्यशाली भाग्यशाली लोग हैं, यू आर प्रिविलेज पीपल, आप स्पेशल लोग हैं। क्यों? क्योंकि हर 2-3 महीने में कोई ना कोई प्रभु का दास आता है, भविष्यवक्ता आते हैं। और मैं ये जानता हूँ कि अन्य कलीसियाओं में ऐसा नहीं हो पाता है, साल में 1 बार कन्वेंशन होता है, साल में 1 बार या 2 बार स्पेशल मीटिंग होती है। परंतु हमारे प्यारे बिशप पास्टर सतीश का धन्यवाद कि वो आपके लिए प्यार करते हैं, आपकी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हर 2-3 महीने में किसी न किसी प्रभु के साम
सामर्थी अभिषिक्त भविष्यवक्ताओं को, प्रभु के दासों को बुलाते हैं, जो वचन आपके लिए बोला जाता है वो पूरा करेगा। अब्राहम के जीवन में क्या हुआ? 100 साल का बुढ़े को बाइबल बताती है उसका एक बेटा हुआ, उसका नाम इसहाक रहा। उसका नाम एक उसको परमेश्वर ने आशीष दिया अब्राहम और सारा को। कोई भी काम असंभव नहीं है। यिर्मयाह 32 उसके 27वें वचन में लिखा हुआ है। यिर्मयाह 32 और उसका 27वां वचन कहता है, हालेलुया, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? Nothing is impossible with Jesus, with God Almighty. Hallelujah. अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 18वां वचन, 18 अध्याय और उसका 14 वचन, उत्पत्ति 18 अध्याय उसका 14 वचन वहां लिखा हुआ है, यहोवा, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नित्य समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा का पुत्र होगा। हालेलुया। मेरी बहन, जो प्रतिज्ञा आपके जीवन में हुई है, आपने कई बार दर्शनों को देखा है, प्रभु कहता है मेरी बेटी, मैं उस दर्शनों को पूरा करने को सामर्थी हूँ। हालेलुया। वो प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला सच्चा यीशु मसीह है, वो वफादार है। आज मैं यहाँ प्रचार कर रहा हूँ, इतने ओ आप देख रहे होंगे, मैं कॉन्फिडेंस से बोल पा रहा हूँ, ये यीशु जो प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मैं बताना चाहता हूँ अपने जीवन की गवाही। जब मैं छोटा बच्चा था, मेरे प्रियो, मैं और मेरा भाई, हम DBS में पढ़ते थे और वहां पर हफ्ते में हर दिन वहां पर सुबह हमारी मॉर्निंग असेंबली होती थी, वहां पर गाने गाते थे और पूरा स्कूल एक साथ जमा होके उस दिन का न्यूज पढ़ता था, गोल्डन न्यूज। और हमारे प्राचार्य वो वचन जो भी उनका संबोधित करता था स्टूडेंट्स के लिए वो करते थे, तो हर एक स्टूडेंट को मौके मौके से मिलता था कि आके वो बताए न्यूज को। तो मेरे प्रियो, लोग इतने डरपोक, इतने शर्मिए शर्माते थे किसी के सामने। अगर हमारे घर में कोई आ जाए, अंकल आंटी, मम्मी पापा बुलाते, बेटा अरे आओ ना, वो अंकल आए, वो आंटी आए, हम लोग को डर लगता था। नहीं, हम लोग बोलते थे, अब दोनों भाई, अरे तू जाना, नहीं मैं नहीं जाता, 10 मिनट लग जाता था और बड़े डर के मारे 2-3 बार मम्मी पापा बोलते, अरे जल्दी आओ, झिझकते हुए डरते हुए आता। और गुड इवनिंग की जगह शाम होती रहती, शाम को आते थे हम गुड मॉर्निंग बोल देते थे, सुप्रभात बोल देते थे, इतना डर। चर्च में मम्मी हमारी अगर बर्थडे हो, परीक्षा पास हो, तो कफाई के लिए हमको बोलती थी जाओ, और हमको बड़ा डर लगता सबके सामने, अरे नहीं, डर लगता था, संकोची थे, शर्माते थे, डरपोक थे, स्टेज फियर। मेरे प्रियो, मम्मी कई बार ऐसा करती थी, बाइबल में लिखा हुआ अपने पुत्र को परमेश्वर के वचन की शिक्षा दे, बुढ़ापे तक वो उससे भटकेगा नहीं। हालेलुया। नीति वचन 5:6 में लिखा हुआ है, मेरी मम्मी जब हम लोग बर्थडे रहता, परीक्षा में पास हो गए, हम लोग को डर लगता, हम लोग गवाही नहीं देते, मम्मी आके संडे के दिन स्पेशल खाना बनता है ना, तो चिकन बना, मम्मी अच्छा बनाती थी, बड़ा टेस्टी स्वादिष्ट खाना, तो हम लोग आके खाने हम लोग खिलाती थी, हम खुद नहीं खाती, हम लोग सोचते अरे मम्मी आप क्यों नहीं खा रहे, नहीं बोलती, तुमने आज गवाही नहीं दी ना, इसलिए मैं नहीं खा रही। अभी हमको डर बड़ा दुख लगता, अरे मम्मी अभी ने इतना टेस्टी स्वादिष्ट खाना बनाया है, अभी नहीं खा रही है, हमको बड़ा पछतावा होता, बोलते अगली बार हम जरूर गवाही देंगे। और अगली बार संडे को चर्च में आके पढ़े घबराते हुए डरते हुए मेरे प्रियो। और DBS स्कूल में जब मेरा आया टर्न न्यूज बोलने का, तो मैं बीमार हो गया। बीमार क्यों? कोई ऐसा शारीरिक पीड़ा नहीं, दिमागी डर आ गया, सब लोगों के बीच में कैसे मैं और न्यूज बताऊंगा 400-500 लोगों के बीच में। मेरे प्रियो, ऐसी हालत में, ऐसी
आचरण और ऐसा मेरे जीवन मेरे भाई के जीवन में ये था। परंतु एक बार की बात है जब मैंने यीशु को ग्रहण किया कुछ सालों बाद एक मीटिंग में रह गया एक घर में, वहाँ एक प्रभु का दास मुझे नहीं जानता ना मैं उसको कुछ जानता, वो मेरी ओर देख के बोला प्रभु कहना है तू मेरे वचन का प्रचार करेगा। हालेलुया, ओ तू मेरे वचन का प्रचार करेगा। मैं अचंभित हो गया, चकित हो गया। मेरे को तो बोलने में डर लगता है, किसी के सामने मुझे पीछे बैठना अच्छा लगता है, और वो कह रहे हैं तू मेरे वचन का प्रचार करेगा। असंभव, असंभव। जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है, ईमानदार है। आपके प्रतिज्ञाओं जो आपके जीवन में उसने दिया है वो सामर्थ्य है उसे पूरा करने के लिए। कुछ साल बीते गए, संडे स्कूल लेता था, थोड़ा गवाही लेता था, और उसके बाद वो रेलवे स्टेशन में वो गेट के ऊपर खड़ा होके यीशु के पर्चे बांटा करता था। यीशु शांति देता है, यीशु आनंद देता है, ऐसा करके। और बेटियों कुछ साल बाद बीते गए, वहां मुझे गुजरात में नौकरी मिल गई, और वहां पर मैं जहां कलीसिया जाता था वहां दो बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उस समय मुख्यमंत्री थे वहां पर, और उनके बड़े वो फेवरेट प्रिय ऑफिसर थे, उनकी कलीसिया में मैं जाने लगा। और वहां पर सब ज्यादातर कोई केरल का है, कोई तमिलनाडु का, मैं ही केवल छत्तीसगढ़ का। परंतु प्रेज़ द लॉर्ड, प्रतिज्ञा को पूरी करने वाला यीशु मसीह वफादार है, ईमानदार है। वहां पर क्या हुआ, विपरीत परिस्थितियां, सब बड़े बड़े लोग हैं, मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, मैं बस से आता था फिर पैदल जाता था वहां स्कूल में के कमरे में वो मीटिंग लगती थी चर्च की मीटिंग। वो लोग सब बड़ी बड़ी कारों में आते थे, वो बड़े बड़े बंगले में आईएएस ऑफिसर का बंगला। एक दो बार मेरे को बुलाया, जान के दम हो गया। आप सोच सकते हैं उनके बीच में यीशु मसीह प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला। वहां के पास्टर ने एक पास्टर को उन्होंने रखा था। पास्टर एक दिन बोले अरे मैं जा रहा हूं सैमुअल तुम प्रचार कर। हालेलुया, तुम प्रचार करना। और मुझे वो याद आ गया प्रतिज्ञा को पूरी करने वाला परमेश्वर पूरा करेगा। महेश भाई आपके जीवन में जो प्रतिज्ञा किया है परमेश्वर ने वो कहता है वो विश्वास योग्य है, वो सच्चा है पूरा करने में। हालेलुया, वो पूरा करेगा। हालेलुया, ताली बजाए। यीशु मसीह वफादार है, सच्चा है, ईमानदार है। उस समय अद्भुत बात ये भी हुई, उसी दौरान मेरे मम्मी पापा आए थे और वो चर्च में आए, देखा अरे उनका लड़का प्रचार कर रहा है, आईएएस ऑफिसर वहां बैठे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, वो प्रतिज्ञा को पूरी करने वाला परमेश्वर है। गिनती की किताब 23वां अध्याय और उसका 19 वचन वहां लिखा हुआ है। क्या वहां लिखा हुआ, ईश्वर, गिनती की किताब 23वां अध्याय और उसका 19 वचन, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदल दे। वो झूठ नहीं बोले जो परमेश्वर के दासों के द्वारा, जो बाइबल जो आप पढ़ते हैं उसके द्वारा आपको प्रतिज्ञा दी है। हो सकता है आपके रिश्तेदार आपको किसी नाइलाज बीमारी से पीड़ित है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो ट्यूमर है, उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, और ऐसा लगता है मौत बेहद आपके नजदीक खड़ी है। और जब आप बाइबल पढ़ते हैं एक वचन आपको परमेश्वर देता है, भजन संहिता 118:17 वहां लिखा हुआ है मैं ना मरूंगा परंतु जीवित रहूंगा और परमेश्वर के अद्भुत कामों का वर्णन करूंगा। हालेलुया, गिनती की किताब, ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जजेस, न्यायियों की किताब 6वां अध्याय और उसका 23वां वचन, न्यायियों की किताब 6वां अध्याय 23वां वचन, वहां लिखा हुआ है तुझे शांति मिले, तू ना मरेगा, तू जीवित रहेगा। क्या आज आप या आपके रिश्तेदार ऐसी कोई ना इलाज बीमारी से जो मेडिकल साइंस ने डॉक्टर ने जवाब दे दिया है
पीड़ित है, खुशखबरी जीवन देने वाला, जीवन को अपने अधिकार में रखने वाला यीशु मसीह सामर्थी है, सच्चा है, वो पूरा करेगा। उसके बाद मुझे कुवैत में नौकरी मिली, वहां पर बड़े बड़े चर्च, 40 साल से 50 साल से वो एस्टेब्लिश चर्च, वहां पर मैं जाता था, पीछे बैठता था, मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही थी कि कभी मैं प्रचार करूंगा। वहां पर 50 से भी ज्यादा नेशनलिटी के, साउथ कोरिया, अमेरिका, ब्राजील, यूके, चाइना, कोरिया, फिलीपींस के लोग आते, उनके बीच में मैं कहां प्रचार करूंगा, कौन हूं मैं, छोटा सा आदमी हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, जिसने प्रतिज्ञा की है वो अब्राहम का परमेश्वर, आपका परमेश्वर है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज आप आनंदित हो जाए, खुश हो जाए, वो सच्चा है, वो वफादार है। हालेलुया। वहां पर एक आपके जीवन में भी अगर आपने यीशु को अपने दिल में बुलाया है, अपना उद्धार करता स्वामी बोला है, तो बाइबल में लिखा हुआ भजन संहिता 37:37 उसका 23 वचन वहां लिखा है, द स्टेप्स एंड द स्टॉप्स ऑफ ए राइटियस मैन आर ऑर्डर्ड बाय द लॉर्ड। जैसे ही आप चलते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, परमेश्वर के योजना के अनुसार होता है, डिवाइन करेक्शन, डिवाइन अपॉइंटमेंट। जहां मैं कंपनी में काम करता था, वो मेरे वो मैनेजर है, वो 30 साल से वहां कुवैत में थे, मुझे नहीं मालूम था उनके बारे में। एक दिन बोले, अरे सैमुअल, वो कोई सिस्टर बता रही थी तुम दवाई देते हो। मैं बोला, हाँ दवाई देता हूँ मैं, थोड़े छोटे छोटे झूठ में मैंने दवाई दी है। बोले, हमारा टेनल चर्च है 20 साल पुराना, उसमें करीब 300-400 लोग आते हैं, हम इंग्लिश में भी एक सर्विस चालू किए हैं और हिंदी में भी करना चाहते हैं, तो क्या तुम हिंदी के पास्टर बन जाओगे हिंदी चर्च के? असंभव परिस्थितियां, विपरीत अधिकार में, इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में ऐसा। और मेरे प्रियो, उनके साथ मेरा जो कनेक्शन हुआ, डिवाइन कनेक्शन, दैविक आपके संबंध, रिलेशनशिप लोगों से होंगे जो आपके लिए फायदा होगा, ईश्वर आपको फायदा और आशीष दिलाएंगे। क्या हुआ, कुछ दिनों बाद उन्होंने कलीसिया चालू की और मैं वहाँ निकली कलीसिया का पास्टर बना। ओ कैसे गवाही देना, कौन से गाने गाना है, वचन प्रचार, मुझे हर समय हर हफ्ते तैयार रहना पड़ता। और लोग कहने लगे, अरे ब्रदर, आप ही प्रचार किया करिए, क्योंकि लोगों को समझ में आता है, लोगों को पसंद आता है, इसलिए आप ही प्रचार करें। हर हफ्ते मुझे नया मैसेज तैयार करना पड़ता और पूरा कलीसिया चलाना। कुछ दिनों बाद लोगों ने बताया पास्टर को, अरे ये बहुत अच्छा प्रचार करता है। बोले, ठीक है, हम टेमल सर्विस में 400-500 लोगों के बीच वहां प्रचार किया, उन्होंने मेरा टेमल में अनुवाद किया। हालेलुया। इंग्लिश सर्विस में ये असंभव बात थी मेरे प्रियो। साउथ इंडियंस लोग, बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बड़े बड़े पढ़े लिखे प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रहते हैं, उनके बीच में एक कहा छत्तीसगढ़ का, हिंदी साइड का, मैं माइनॉरिटी था, परंतु प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर बदल सकता है। वो संभव को संभव करने वाला, 100 साल के बुड्ढे अब्राहम को वो संतान देने वाला। आज देखिए, इसराइल में आप जाएंगे, अब्राहम की कब्र में वो लाखों लोग आते हैं, वो हालेलुया उसको पुकारते हैं, पिता पिता अब्राहम, हमारा पिता। आज वो मशहूर हो गया, हालेलुया, वो प्रतिज्ञा किया हुआ परमेश्वर सच्चा है मेरे प्रियो। दूसरी बात, आज हम इस दुनिया में रहते हुए आपके जीवन में जो प्रतिज्ञा हुई है वो पूरी करने में सामर्थी है परमेश्वर का वचन। ये भी कहता है, अगर हम पढ़ेंगे मरकुस की किताब 16 अध्याय और उसका 15वां वचन, वहां यीशु मसीह ने अपने होठों से ये वचन कहा। मरकुस की किताब 16 अध्याय और उसका 15वां वचन, वहां लिखा हुआ है, वो आमीन, तुम सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार। ये सुसमाचार क्या है जो आप सुन रहे हैं? यीशु मसीह शांति देता है, यीशु मसीह चंगाई देता है, यीशु मसीह असंभव को संभव करता है, यीशु मसीह
जीवन देता है। यीशु मसीह मांस को आनंद करने वाली माता बनाता है। ये सुसमाचार है। हालेलुया। वो शांति का राजकुमार आज मेरे और आपको ये कह रहा है, मेरे बच्चों जाओ सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। प्रेरितों के काम पहला अध्याय आठवां वचन लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। यू शैल रिसीव पावर, पावर, पावर। हालेलुया। सामर्थ्य मिलेगा आपका भय रखने वाला, वो आपका डरपोक फिर से जीवन बदल जाएगा। आप नए बल से बलशाली हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा सामर्थ्य देगा। और लिखा हुआ है, तुम यरूशलेम, यहूदिया और दुनिया के अंत तक मेरे गवाह होगे। गवाह होगे, यही यीशु मसीह ने मुझे बचा लिया, यीशु मसीह ने मुझे छुड़ा लिया दुष्टात्माओं से, बीमारी से, मौत के बंधन से, बेरोजगारी से, कर्जों से। हालेलुया, छुड़ा लिया। कुछ दिनों की पहले की बात है मेरे भाइयों, मैं यहाँ के सड़क से होकर जा रहा था, मैंने देखा कई सौ लोग एक दुकान में भीड़ लगी हुई है, शाम का समय है। मैं चकित हो गया, बाजू बाजू तो ज्यादा कुछ 10-20 लोग होंगे, परंतु वहां पर 100-200 लोग हैं। मेरा दिल बड़ा मायूस और बेचैन हो गया, क्यों 200 लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? और मैं देख रहा उनका चेहरा थोड़ा लाल जैसा, कोई ऐसा ऐसा हिल रहा है कुछ। ये मैंने आगे चल के एक भाई जा रहा था, मैंने रुक के पूछा, भाई ये कौन सी दुकान है, क्या हो गया यहाँ पर, क्यों 200 लोग हैं? तो उसने कहा, ये दारू भट्टी है, दारू की दुकान है, शराब की दुकान, मदिरा की दुकान है, वहां पर लोग 100-200 लोग शाम के बाद भीड़ लगा के मदिरा दारू शराब पीने के लिए, खरीदने के लिए लाइन लगा। मुझे याद आ गया, मेरे पास कई बार फेसबुक में, ईमेल में, व्हाट्सएप में संदेश आते हैं, कई उसमें से कई बहनों का आता है, ब्रदर मेरा पति रात के 12 बजे शराब पी के आया हुआ है, मेरे बच्चे को मार रहा है, चिल्ला रहा है। मैं तो अरे यीशु हो तैयार, प्रिय बोलते कि मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ, ऐसे में तनाव में मेरा पिता रोज मुझे मारता है, मुझे घर से दिखा देता है शराब पी के। मुझे याद आया वो 100-200 लोग केवल पी के ही नहीं जाएंगे, घर में जाके उनकी पत्नी, उनके बच्चे पीछे परेशान हो जाएंगे, कौन जाके उनको सुसमाचार सुनाएगा। यीशु मसीह कह रहे मेरे बच्चों, मैं आज तुमको एक अपना गवाह बनाना चाहता हूँ, तुम्हारे द्वारा अपनी सुगंध खुशबू फैलाना चाहता हूँ। यदि हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय और उसका 14 वचन, बड़ा सुंदर वचन है। दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय और उसका 14 वचन लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको क्षय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान के सुगंध को हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हालेलुया, फैलाता है ज्ञान के, क्या है यही यीशु मसीह अच्छा है, यीशु मसीह अद्भुत है, ये खुशबू को, ये सुगंध को आपके द्वारा, मेरे द्वारा, मेरे भाई, मेरी बहन फैलाता है। वो मेरे को याद आ जाता जब सुगंध की बात करें, कुवैत में जब मैं अपने कंपनी का ऑफिस में काम करता था, मेरे कंपनी का मालिक हम लोग का सुबह 8 बजे से चालू हो जाता था, वो 11 बजे आता था और बिना कुछ आवाज के पता ही चलता था, पूरी कालीन पीछी रहती थी और डोर भी कुछ आवाज नहीं करता था, पता नहीं चलता था कि आ गया, परंतु उसका एक चीज से पता चल जाता था, वो आगे करके जैसे ही वो निकलते, पूरा जहां मैं बैठा हूं मेरा जो ऑफिस था उससे थोड़ी दूर में था, सुगंध खुशबू, इत्री की खुशबू, परमेश्वर का हो सकता है वचन। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको ये दूध वाला वचन खिलाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ सब
लोग मांस का वचन नहीं ले सकते हैं ना, छह महीने के छोटे बच्चे को आप मांस खिलाएंगे तो खाएगा जब के दांत ही नहीं निकले, तो इसलिए उसको दूध पिलाते हैं, इसलिए मैं दूध पिलाता हूँ। हालेलुया, मैंने अपने मामू को दूध पिलाया, वो गवाही बताई और वचन बताया। हालेलुया, आप भी वैसा कर सकते हैं अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदारों में सीधा सीधा परमेश्वर का वचन अपनी गवाहियों के साथ मिलाकर बोले, वो स्वादिष्ट होगा, वो उनके दिल को स्पर्श करेगा। और वो आते रहे, मैं बताता रहा बताता रहा, और एक दिन मैं बोला भयो मेरा एग्जाम है रायपुर में, मैं आ रहा हूँ और शाम को हम लोग चर्च चलेंगे करके। बोले ठीक है, मैं गया शाम को परीक्षा खत्म होने के बाद वहाँ पर, और जब उनके घर गया तो मेरे बड़े मामा आए थे, मेरे छोटे मामा जो जिनको मैं बचाना चाहता था, वो चर्च और बाइबल कभी नहीं पढ़ते ना जाते, वो बड़े मामा को खूब मानते। मैं बोला अरे बाप रे, बड़े मामा अभी तक है वो नहीं जाएंगे, वो नहीं छोड़ेंगे उनको। मैं प्रार्थना करने लगा, अरे प्रभु ऐसा कीजिए कि मेरे बड़े मामू जल्दी से चले जाए यहाँ से। मेरी अंदर में प्रार्थना किया, सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, हो सकता है तुम्हारा ना मिले। यीशु मसीह प्रार्थना को सुनता है, वो चाहता है दुनिया के लोग बचाए जाए, क्योंकि उसने सबके लिए खोल पाया, सबके लिए जान दी है, वो खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है, उनका उद्धार करने के लिए आया है। लूका 19:10 में लिखा है, प्रार्थना किया थोड़े दिन देर बाद, जैसे ही मैंने प्रार्थना की 6:30 बजना था, मीटिंग चालू होने वाली थी 7 बजे, और वो जहाँ मीटिंग हो रही थी वो झुग्गी झोपड़ी का इलाका था, नई जगह था, मैं भी नहीं जानता कहाँ है, तो हमको टाइम लगता ढूंढने में कहाँ पर है वो। मैं जल्दी से प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना ऐसे ही कर रहा था बड़े वेदना के साथ। बाइबल में लिखा हुआ भजन संहिता 34:18 में, यीशु मसीह टूटे दिल वालों के बेहद समीप रहते हैं, तो टूटे दिल की प्रार्थना को सुनता है। अचानक से वो लोग आराम से बैठे हुए चाय नाश्ता कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। आप तो जानते हैं एक बार बातचीत का सिलसिला चलता है तो रुकता नहीं है, ट्रेन की तरह चलता ही रहता है, ऐसे ही चल रहा था। अचानक से मेरी मामी बोली, अरे मैं उड़ गई, बोली चलो चलो चलो, मेरे मामा को बोला चलो चलो, देर हो रही है देर हो रही है, जल्दी से वो 5 मिनट के अंदर चले गए। मैं अपने छोटे मामा को बोला चलिए चलिए मामा किया। तो मेरे मामू बोले अरे इसके यहाँ मीटिंग, ये तो एक नंबर का प्रियंकर था, नाली में पड़ा रहता था, इसको क्या हो गया भाई, यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया है, हो सकता है आपके रिश्तेदार अभी भी बंधन में है, शराब के जुआ के अनैतिक संबंध के, यीशु मसीह आजाद करेगा। यूहन्ना 8:32 और 36 वचन के अनुसार यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 वचन के अनुसार मेरे मामू चकित हो गए, अरे ये तो पीता था नाली में पड़ा रहता था, उसकी आंखें थी। कुछ देर बाद वहां गाने बजाने आराधना चालू हुई, प्रचारक आए और प्रभु ने अपने दास के द्वारा मेरे मामू के ऊपर भविष्यवाणी के शब्द कहा, तू कई बार सो नहीं पाता, तू अपने परिवार के बारे में चिंतित रहता है, ऐसा करके मेरे मामू की आंखों में आंसू आ गए, उनका दिल पिघल गया। परमेश्वर के प्यार भरे मीठे करुणामय दयावा के वचनों से उसका दिल आनंदित हो गया। हालेलुया, और उनके जीवन में ऐसा बदलाव हुआ। मेरे प्रियो आज आप कभी रायपुर जाएंगे चर्च ऑफ गॉड, वहाँ डैनियल सैमुअल करके है, पता लगाइएगा, लोगों की भीड़ जमा रहती है उनसे प्रार्थना करवाने के लिए। मैंने उनको परमेश्वर ने ऐसा वरदान दिया, दुष्ट आत्मा भक्ति है, ऐसा परमेश्वर ने उनको बदला, वो रोज प्रेयर मीटिंग जाते हैं, प्रचार करने के लिए जाते हैं, बाइबल पढ़ते रहते हैं। रायपुर से भिलाई आते थे ड्यूटी के लिए, बाइबल रास्ते में पढ़ते रहते थे। हालेलुया, यीशु मसीह बदल सकता है। आपने विश्वास किया है तो यीशु का वादा है, प्रेरितों के काम 16:31 वचन के अनुसार प्रभु यीशु पर विश्वास कर
तो तुम और तुम्हारा पूरा परिवार बचाया जाएगा। आपके पिता शराबी पिता, आपका पति हालेलुया, आपका भाई, आपका रिश्तेदार बचाया जाएगा, छुड़ाया जाएगा। धन्यवाद यीशु। आज मेरे प्रियो, कई दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां है, एक डॉक्टर के यहाँ बैंगलोरी डॉक्टर वो उन्होंने बुलाया, और जैसे ही वो मेरे मामा गए वहां, डैनियल सैमुअल और वो जो बिस्तर में पड़ी थी उस डॉक्टर की पत्नी, 6 महीने से डॉक्टर ने बोल दिया कुछ नहीं हो सकता, वो चिल्लाने लगी, अरे आ आ। मेरे मामा ने मामू ने प्रार्थना की, यीशु के नाम से सारी दुष्टात्माओं निकल जाओ। वो पहले जो 6 महीने से बिस्तर में चल रहे थे, आपके द्वारा, आपके द्वारा मेरे भाई मेरी बहन, आपके द्वारा वो खुशबू को, अपनी सुगंध को फैलाना चाहता है। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाए। हालेलुया। मैं विशेष तौर से सब अपनी आंखें बंद करें, सब अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया। वो प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला सच्चा वफादार यीशु आपके पास खड़ा है। बहन ये अपना बहन में जो यहाँ सीमा सिस्टर के बाजू में जो बहन है, आ जाए सामने, आपके पास खड़ा है। सब अपनी आंखें बंद करें। प्रभु प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला वफादार। हालेलुया। न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। बच्चे को भूल जाए मांगे, तरस न खाए बाबा रहम के दर्जे पर, अपने हाथों में कोड़ी दे सूरत जो तेरी, अपने हाथों में खोली देख सूरत जो तेरी, करता है बेहद वो प्यार, करता है बेहद वो प्यार। लहू से तेरी सारी बदकारी चंगी करे वो, तेरी सारी बीमारी हुआ क्रूस पे कुर्बान ताकि बच जाए जा, हुआ सबका है पर्वत दिया। न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा, न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। बहन मैं आपको नहीं जानता, परंतु परमेश्वर क्या वफादार है। आप कई उलझनों में आपका पारिवारिक जीवन उलझा हुआ, और प्रभु कह रहा मेरी बेटी जैसे मैंने रूथ को, हालेलुया, उस निराशाजनक परिस्थितियों में वो विधवा हो गई थी, हालेलुया, परंतु मैंने उसके घर को बसाया बनाया, हालेलुया। प्रभु कहता है मेरी बेटी तेरे उलझनों को मैं यीशु खुशी से शांति के साथ जा, तेरा यीशु वफादार है। अरे यीशु, अरे भाई अरे बहन अपने हाथ उठा ले। मैं प्रार्थना करता वो प्रतिज्ञा को पूरी करने वाले यीशु नासरी अपने सामर्थी चमत्कारी चंगाई भरे हाथों को और इन अपने बच्चों के हाथों को छू छू छू। सारा दर्द, छाती का दर्द, वो भवासी गठिया ट्यूमर रसौली यीशु के नाम से खुल जाए, गायब हो जाए। हालेलुया। नई नौकरियां मिले, उनकी तनख्वाह बढ़े। हालेलुया। उन्हें शांति मिले और उनका घराना, उनका पति बचाया जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपका सामर्थी हाथ, पवित्र हाथ उन्हें स्पर्श कर रहा है। शांति से, चंगाई से, ताकत से, शक्ति से, शांति से, आनंद से भर रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, यीशु के सामर्थ्य चमत्कारी चंगाई भरे अद्भुत नाम है। आमेन।